नमस्कार दोस्तों, 20,000 का मार्क का पहुंच गया जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब क्या होगा, अब मार्केट में कहाँ रणनीति बनती है, कैसे ट्रेड सेटअप बैठता है, कैसे ट्रेड करना है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए कितना रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कंसेक्यूटिवली भी 7 ग्रीन कैंडल बना हुआ है और हम 20,000 के लेवल पे पहुंच गए हैं मात्र 4 पॉइंट नीचे। अब क्या होगा आने वाला सत्र में, ये देखिए ये लेवल टोटल मैच कर जा रहा है। अब ये जो है ये क्या है, ये जो लेवल है ये एक तरह से रेसिस्टेंस है। जैसे ही ये सपोर्ट बनेगा मार्केट में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी क्या होगा, क्या तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ दिन होल्ड करेगा, यहाँ पे कुछ दिन टाइम पास करेगा जैसा यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे के आने के बाद देखिए शार्प फॉल देखने को मिला था, 1, 2, 3 रेगुलर रेड कैंडल बना हुआ था। तो अभी आपको तुरंत बाय नहीं करना है अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है कल के सत्र में। तो मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है कहाँ पे, यानी 20,050 पे ओपन हो जाती है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल वॉच करना है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तब एक परफेक्ट टाइम होगा बाइंग का, और अगर मार्केट अगर नीचे गैप डाउन ओपन होती है तब भी एक परफेक्ट टाइम होगा बाइंग का। क्या होगा, तीन सिनेरियो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है। अगर हम 20,050 पे खुल जाते हैं, यहाँ पे अगर हम 20,050 पे खुल जाते तो क्या करना है, तब आपको बाइंग नहीं करना है, आपको केवल वॉच करना है और वेट करना है रेड कैंडल बनने का। अगर पहला 15 मिनट के कैंडल रेड बन जाती है तब आप सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बैठ सकते हैं 20,000 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ पे 19,800 के आसपास, इस लेवल पे अगर गैप डाउन ओपन होती है, पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे अगर ग्रीन बनता है तब 20,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, और अगर पहला 15 मिनट कैंडल रेड बनता है तब हम 19,800 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। ये हुआ दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है यानी 20,000 के आसपास ही ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे अगर ग्रीन बनता है 20,100 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, और पहला 15 मिनट कैंडल अगर रेड बन जाती है तब 19,800 के फिर पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। ये हुआ निफ्टी का एक ओवरव्यू। फटाफट बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड सेटअप बैठ रहा है, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए और किधर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट को खोल ले रहे हैं और ये रहा चार्ट। जैसा कि हम लोग डिस्कस किया था, 45,000 के ऊपर का लेवल में हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है। शार्प देखिए रिकवरी देखने को मिला है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 बड़े बड़े बार कैंडल बना हुआ है। अब क्या हुआ है कि निफ्टी तो 20,000 पहुंच गया लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने हाई से बहुत पीछे है। अब बैंक निफ्टी का हाई कितना है, बैंक निफ्टी का हाई है 46,352। तो कल क्या होगा अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, इस लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 45,782 पे, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे अगर ग्रीन बनता है तब फिर हम 46,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल अगर हमें रेड मिलता है तब आप 45,500 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। यह हुआ पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ पे 45,329 पे, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तब हम 45,300 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, और अगर पहला 15 मिनट कैंडल हमें ग्रीन मिल जाती है तब हम 45,500 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। ये हुआ दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होने का मतलब क्या है, 45,570 के आसपास ही अगर हम ओपन हो जाते हैं तब एक परफेक्ट टाइम रहेगा बाइंग का, अगर पहला 15 मिनट कैंडल हमें ग्रीन मिलता है 45,700 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल अगर हमें रेड मिलता है तब फिर हम 45,400 के पुट ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। ये हुआ
एक बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू। अब किस तरह से देखिए स्टार्टिंग हुआ था 19,875 से, लग रहा था फ्लैट ओपनिंग होगी, फ्लैट रहेगा सब कुछ, लेकिन लास्ट में जिस तरह से ऊपर बढ़ा, फिर 19,940 आया, फिर लास्ट आवर में आप देखिए शार्प रिकवरी और 20,040 के लेवल को हम लोगों ने टच किया। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, देखिए 19,996 पे निफ्टी बंद हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 46,585 पे, निफ्टी मिड कैप 9,119 पे, बैंक निफ्टी 45,570 पे, निफ्टी फाइनेंशियल 20,305 पे बंद हुआ है। तो सारे के सारे ग्रीन कैंडल में ही बंद हुए हैं, कोई रेट नहीं है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट अदानी ग्रुप ने किया, अदानी पोर्ट 7%, अदानी इंटरप्राइजेज 4%, एक्सिस बैंक 2%, अपोलो हॉस्पिटल 2%, पावर ग्रिड 2%, ये सारे जो है सपोर्ट किए हैं। कोल इंडिया गिरा है क्योंकि बहुत बढ़ा था तो 1.5%, बजाज फाइनेंस 0.28%, ONGC 0.27%, L&T 0.18%, तो ये मामूली में गिरावट में बंद हुआ है। फॉरेन मार्केट को समझ लेते हैं कैसा कल रहेगा। देखिए चारों तरफ ग्रीन है, अब इंडिया वीक्स भी 5% ऊपर है, डो जोन्स, नेस्टेक सब देखिए ग्रीन कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में कल फिर क्या देखना होगा, कहाँ क्लोजिंग देता है अमेरिकन मार्केट, उस हिसाब से फिर रहेगा कि इंडिया मार्केट किस तरह से खुलेगा। फिलहाल अमेरिकन मार्केट में डो जोन्स पॉजिटिव है, S&P पॉजिटिव है, नेस्टेक पॉजिटिव है, S&P 500 वीक्स भी पॉजिटिव है, S&P TSX भी पॉजिटिव है, चारों तरफ जोरदार खरीदारी का माहौल है। तो ऐसे में कैसा रणनीति रहेगा, आप कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।